ये पनागा आने वालों को एक हर बेड पे एक किट रख के दी जाती है, जैसे ये पड़ी हुई है आपको दिख रही है, हर बेड पे ये किट पड़ी हुई है और इसमें है एक मसवाक और साथ में इसमें सोप है आई गेस। यस, ये सारे बेड्स के ऊपर आप देख रहे हैं इस तरह से रखी हुई है। परेशानी बताओ क्या है? वुजू करने के लिए सुबह गर्म पानी नहीं मिलता। अच्छा, अंदर गीजर लगा हुआ है मैंने देखा है, लेकिन अगर नहीं चलता, अगर नहीं मिलता, रोजाना नहीं मिलता, चाय मिलनी चाहिए, थके आ रहे होते हो तो चाय का एक कप खाने के बाद। मजदूरी लगती है, कभी नहीं लगती। मैं आपका चैनल बहुत शौक से देखता हूँ। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ना इशू पे बात करेंगे और बिल्कुल करेंगे जैसे आप करते हैं। बिल्कुल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कायम की जाने वाली पनाहगाहों के बारे में आपने बहुत मर्तबा सुन रखा है। सुना मैंने भी था, लेकिन कभी खुद आकर देखने का मौका नहीं मिला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ दिन कबल होने वाले इजलास के दौरान वफाकी वज़रा से ये कहा कि वो एहसास मराकज़ और ख़ास तौर पर पनाहगाहों के दौरे करें। तो आज वफाकी वज़ीर मुराद सईद के हमरा इस्लामाबाद में वाक़े एक पनाहगाह का दौरा करने का मौका मिला। यहाँ पर खाने पीने का, रहने का और दीगर सहूलियात का किस तरह से ख्याल रखा जाता है, आइए आपको दिखाता हूँ। ये हमारा सर वेटिंग एरिया सर, हम यहाँ वेट करवाते हैं लोगों को, एंट्री करवाते हैं और ये बैठ जाते हैं। इसके बाद सर यहाँ एक मैनुअल रजिस्ट्रेशन करते हैं सर हम, और भी गुजर होते हैं सर, ये सर तकलीफ है। आप सर यहाँ ये सर पीएम ने इनॉग्रेट किया था, और जिस तरह अब आप बैठे हुए हैं सर, इस तरह पीएम साहब ने ट्राई किया, और वो मेन्यू देखते हैं कि वही मेन्यू फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरे आने में चेंज तो नहीं हो रहा। तो आप डेली आते हैं? डेली मतलब। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस है आप? अच्छा, जो इंतज़ाम वगैरह उससे आप मुतमिन हैं? अच्छा, बिल्कुल। जो है गरीब का एक बंदे को ही पखाने जाने देते, मैं अंदाज़ा लगाता रहता हूँ। आप कितने अर्से से आ रहे हैं? मैं तकरीबन एक माह से आ रहा हूँ। अच्छा, मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ सिक्योरिटी की। अच्छा अच्छा जी सर। तो काफ़ी ड्यूटी करते हैं आप? ये इस्लामा अकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। अच्छा, और खाने के लिए आते हैं यार? खाने के लिए। अच्छा, हम गरीब लोग हैं, हम यार एडमिशन सारे इसने बहुत अच्छा किया हमारे लिए, खाना गरीब लोगों को मिलता है। खुराक वराक कर ठीक से? ठीक है। हाँ, से हाँ पेट से दिखाते हैं उनसे बात करके आ रहा ठीक है, आपसे भी अंदर बात करना है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर यहाँ पर एक मस्जिद भी बनाई गई है, मतलब प्रेयर एरिया भी बनाया गया है। अगर आपको नमाज़ पढ़नी है, आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पे प्रॉपर जमात हो रही थी, अभी ख़त्म हुई है, तो अगर किसी को नमाज़ पढ़नी है तो वो यहाँ पर नमाज़ की अदायगी भी कर सकता है। ये सारी सहूलियात यहाँ पर आने वाले लोगों को दी गई हैं। मैंने आज से पहले ये नहीं देखा था यहाँ पर, लेकिन अब देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और सहूलत यहाँ पर दी गई है कि अगर यहाँ पर आने वाला कोई बंदा या कोई शख्स मरीज़ हो, बीमार हो, उसको सेहत की सहूलत किस तरह से दी जा सकती है, तो उसके लिए आपको अपना डॉक्टर भी मिल सकता है। यहाँ पर डॉक्टर हजरात भी बैठे होंगे और आपको ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। मतलब ये वाला जो सारा सिस्टम है, यहाँ से आपको ये टैबलेट लगा दिया गया है और यहाँ से आपको डॉक्टर ऑनलाइन अवेलेबल होगा। पेशेंट यहाँ पर बैठेगा, जो भी पनागा आएगा, और उसको प्रॉपर यहाँ पर चेक करने के लिए सहूलियात मौजूद हैं, और फिर यहाँ से डॉक्टर जो कुछ भी बताएगा मेडिसिन के लिए, वो फिर यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। वॉशरूम का यहाँ पर बेहतरीन इंतज़ाम है। वैसे ये चीज़ें दिखाने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ आपको इतना दिखाना है, सफाई सुथराई का इंतज़ाम यहाँ पर किस हद तक है, साफ़ बिल्कुल, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज़ साफ़ सुथरी यहाँ पर आपको मिलेगी।
तो ये वो इज़्ज़त नफ्स है जिसका यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ठंडा गर्म दोनों जैसा पानी आपको अवेलेबल है। वहाँ पर सामने आपको गीज़र लगा हुआ नज़र आ रहा है, तो गीज़र लगाया गया है यहाँ पर ताकि लोगों को सहूलत दी जा सके। सफाई सुथराई के निज़ाम के लिए यहाँ पर सफाई का प्रॉपर एक चार्ट बना रहता है, जिस पर तारीख़ के हिसाब से जो आपके सफाई करने वाले अटेंडेंट हैं, उनका मुआयना करने वाले जो शिफ्ट इंचार्ज हैं, फिर किसने तस्दीक की है, उन सब की लिस्ट बनती है और दिन में दो बार यहाँ पर सफाई होती है। आगे आपको चल के दिखाता हूँ। अभी चूँकि लोग यहाँ पर आए नहीं हैं सोने के लिए, कुछ देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो ये इन सब के सोने के लिए उनके आने से पहले तमाम बेड्स लग चुके हैं। और हर बेड के ऊपर एक मज़े की आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पैकेट देखिए, ये पैकेट, ये सारे बेड्स के ऊपर आपको नज़र आएगा। जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, ये सारे बेड्स पे, उनके सराहने पे ये पैकेट रखा रहता है पनागा का, जिसमें एक मसवाक है और दूसरा ये साबुन है, पिन पैक, ताकि हर कोई सुबह उठ के इसको यूज़ कर सके। तो ये हर आने वाले मुसाफिर के सराहने रख दी जाती है। फिर बेहतरीन आपको लिहाफ दिए गए हैं, बिस्तर कंफर्टेबल हैं, बेड कंफर्टेबल हैं, साफ़ सुथरे आपके रज़ाइयाँ तलाइयाँ जो कुछ भी आपको सोने के लिए चीज़ें चाहिए हुई होती हैं। गर्मियों में यहाँ पर पंखे लगाए गए हैं और सर्दियों के इंतज़ाम के लिए यहाँ पर हीटर लगा दिए जाते हैं, वो वज़ीर आज़म ने भी खसूसी तौर पर डायरेक्शन दे रखी हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पर होता है। सुबह यहाँ से लोग निकल जाते हैं अपने अपने काम काज के लिए और फिर रात को आके यहाँ पर आराम करते हैं। तो सारे आदाब और तौर तरीके पश्तों में, उर्दू में, हर जगह पर लिख के लगाए गए हैं ताकि जो भी यहाँ पर आए वो इन चीज़ों को समझ सके। इस वक्त ये तमाम लोग पनागा में आराम के घर से पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं तो इसलिए इनके लिए फ्री शटल सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। दूसरी पनागा से गाड़ी यहाँ पर आई है, एक पनागा तो पेशावर मोड़ पर है, दूसरी तरलई पनागा एक है, वहाँ से ये शटल भेजी गई है ताकि अगर यहाँ पर लोग ज़्यादा हो जाएं और अगर किसी को रहने की जगह ना मिल सके तो उनको ये शटल सर्विस यहाँ से ले जाके दूसरी पनागा में मुंतकिल कर देगी। तो बहुत से ऐसे लोग जो ख़ुद से जा नहीं सकते या जिनके पास ट्रैवल के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए ये फ्री शटल सर्विस हुकूमत प्रोवाइड कर रही है। बहुत बड़ी सर्विस नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी सर्विस है। बाबा कुछ कहना चाहोगे? खुश हो हुकूमत के इकदाम से? बिल्कुल बिल्कुल खुश है हम लोग, इज्जत से सारा कुछ हो रहा है। पानी नहीं मिलता गरम भाई? हाँ बताओ, हर चीज़ मिलता है। आप बताओ, परेशानी बताओ क्या है? वुज़ू करने के लिए सुबह गरम पानी नहीं मिलता। अच्छा, अंदर गीजर लगा हुआ है मैंने देखा है, लेकिन अगर अगर नहीं मिलता, रोजाना नहीं मिलता, तो ये वाली बात भी आपकी बताएंगे कि गरम पानी नहीं मिलता, बिल्कुल आपकी शिकायत ये दर्ज होगी। और बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी, मैं आपका चैनल बहुत शौक से देखता हूँ। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ना इशू पे बात करेंगे और खुल बिल्कुल करेंगे जैसे आप करते हैं। बिल्कुल करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम फिर बताएंगे ना। वैसे खुश हो इस पनागा से? खुश हो, सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, कोई परेशानी है तो बताओ। जो बात की है उस पर गौर किया जाए, वो बिल्कुल आपकी बात इंशाल्लाह आगे पहुँचाएंगे। गर्म पानी की फैसिलिटी मैंने देखा है तो सही लगा हुआ, लेकिन ऑन नहीं करते, ऑन नहीं करते, तो ये वाली बात डिस्कस करेंगे, अभी जाके पूछते हैं। बिल्कुल समझ गए जी, बिल्कुल ये सब इंतजाम सही है। थैंक यू। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मानता हूँ भाई, मैं स्वागत करने वाला है, मतलब स्वागत शांति के वो बन रहा है। आप कहाँ से? भावलपुर से। हाँ, तुम तो मेरे इलाके से हो गए। मैं खुश हूँ, इमरान खान ने जैसे बोला वही करके दिखा दिया, खुश हूँ मैं। चलो गुड है। अब ये यहाँ पर इनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह होगी, सारी चेकिंग होगी, ये पनागा का अमला यहाँ पर मौजूद है और फिर इन सब को यहाँ से इनके बेडरूम तक मुंतकिल कर दिया जाएगा जहाँ पर सारे बेड्स लगे हुए। हाथ में सामान देखें और पूरे दिन की थकावट देखें और उसके बाद इनको सोने के लिए अच्छी जगह मिल जाए तो और किसी को क्या चाहिए। एक फरमाइश इनकी है कि चाय का एक कप भी इनको मिलना चाहिए। हाँ, चाय मिलनी चाहिए, थके आ रहे होते हो तो चाय का एक कप खाने के बाद। मजदूरी लगती है, कभी नहीं लगती। हाँ, नान की जगह रोटी हो जाए, नान कबज करते हैं। चलो बस बस, ठीक है ठीक है, ये बात करेंगे कि इनको चाय का एक कप भी दिया जाए, बात आपकी पहुँचा देंगे। ठीक है, तुम्हारी फरमाइशें ज़्यादा हो गई हैं, दो हो गई हैं, ठीक है, एक गर्म पानी वाली और दूसरी चाय वाली। ये इस वक्त इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, 100 बंदे की रजिस्ट्रेशन रोज़ाना होती है सोने के लिए और यहाँ पर इनको चेक किया जाता है, इनका शनाख्ती कार्ड वगैरह देख के और इनका पूरा रिकॉर्ड वगैरह देखा जाता है, उसके बाद फिर इनको स्लिप इशू होती है और फिर ये जाके अपना आराम कर सकते हैं।
यहाँ पे ये सबके शनाख्ती कार्ड का रिकॉर्ड रखते हैं। जो बंदा आता है उससे शनाख्ती कार्ड लेके उसका शनाख्ती कार्ड वहाँ पे रखा जाता है और उसको एक विजिटिंग कार्ड जो है वो दे दिया जाता है ताकि वो जाके अपना सो सके। रजिस्ट्रेशन का मरहला कंप्लीट कराने के बाद अब यहाँ पर लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं और अब आके जनाब उन्होंने अपने अपने बेड संभाल लिए हैं और अब आराम करेंगे। ये देखें यहाँ पर बेड नंबर चेक करके उनको फैसिलिटेट भी किया जाता है कि आपका बेड नंबर कौन सा है और वहाँ पर जाके आराम करिए। इतनी फैसिलिटी के साथ इनको ट्रीट किया जा रहा है। तो मीनवाइल मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है तो मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिए। इस लंगर खाने का दौरा कराता हूँ आपको कि अंदर क्या क्या हो रहा है। तो मैं इस वक्त पनागा के अंदर खुद नहीं जा रहा ताकि ये लोग सुकून से खाना खाते रहें, लेकिन बस सिर्फ ये देख के खुशी हो रही है कि कितना रिलैक्स हो के ये लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था सही मानों में कि इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर आते होंगे और इतने ज़्यादा लोगों को खाना सर्व किया जाता होगा। और कोई कैमरा नहीं है, कोई अंदर कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आप देखें इत्मीनान के साथ सारे खाना खा रहे हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है। सैलानी का अमला इनको खाना सर्व कर रहा है, इतने अच्छे तरीके से सर्व कर रहा है। मैं ख़ुद भी चाहता हूँ यहाँ पे बैठ के खाना खाऊं, बट मुझे जल्दी यहाँ पे निकलना है इसलिए, और वैसे भी अंदर ऑलरेडी ज़्यादा लोग हैं तो मुनासिब नहीं है मज़ीद रश करना, लेकिन देख कर अच्छा लगा कि इन लोगों के लिए बेहतर इंतज़ाम किया गया है। किसी आम ढाबा होटल पर या किसी किसी दरमियाने दर्जे के होटल या रेस्टोरेंट पर बैठकर खाना खाएं तो इससे ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम नहीं होता जितना यहाँ पर है। देखें उनके लिए स्पेशल वो बनाया गया है ये वाला हिस्सा ताकि यहाँ पर रख के आराम से खाना खा सकें। खाओ खाओ, आप आराम से खाओ, मैं चलता हूँ। कैसा लगा आपको यहाँ पर आके, और सहूलियात से मुतमईन है या मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एहसास जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का प्रोग्राम था और ख़ासकर एहसास पनागा, इसके किसी भी प्रोजेक्ट को विज़िट करके हमेशा दिली सुकून मिलता है, क्योंकि आपने अभी लोगों की गुफ्तगू सुनी, ये मुआशरे का वो तबका था और हमारे ज़ैरतमंद पाकिस्तानी थे जो मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन अब जब बड़े शहरों का रुख करते तो सड़कों पर सोते थे। उनको रियासत ने मेहमान बना दिया और रियासत ने उनके खाने पीने का, उनकी रिहाइश का जो पूरी जिम्मेदारी थी वो रियासत ने उठा ली। तो यहाँ पे तो आपको हमेशा सुकून ही मिलता है। खुशी हुई कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था, न सिर्फ ये कि वो प्रोजेक्ट बेहतरीन अंदाज में चल रहा है बल्कि पनागा अब मॉडल पनागा बन चुके हैं और उसमें तमाम सहूलियात, किस तरह इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, फिर जो इनके खाने का इंतज़ाम कैसा है, इनके लिए वॉशरूम्स का, फिर इनके लिए जो सोने का इंतज़ाम किया गया है वो सारा मयारी है और उसको बेहतरीन कर दिया गया। साथ ही में अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, कोई मज़दूर, तो उनके लिए ट्रीटमेंट की सहूलत भी यहाँ पे मौजूद है, दस्तियाब है, उनके लिए ई शिफा के नाम से इन्होंने इस प्रोजेक्ट का भी आगाज़ कर दिया है। तो यही वो चीज़ थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था, हुकूमत में आते साथ ही उन्होंने जो सड़कों पे सोने वाले थे उनको सड़कों से उठाया और उनको रियासत का मेहमान बना दिया, क्योंकि ये हमेशा से हम यहाँ पे देखते थे। हमेशा से जब भी आप किसी बड़े शहर का रुख करते थे आपको बहुत सारे मज़दूर रात के वक्त सड़कों पर नज़र आते थे, रियासत ने इनका नहीं सोचा था और ये रियासत का फ़र्ज़ होता है। यही वो फलाही रियासत का कंसेप्ट है। फलाही रियासत इसी को कहते हैं कि आप अपने कमज़ोर तबके के लिए सहूलियात दें, उनको सीने से लगाएं, उनके लिए उनका भी इस मुल्क के ऊपर हक है। हमेशा हम देखते थे कि बड़े बड़े हुक्मरान थे, बड़े बड़े महल्लात में रह रहे थे, अपने अखराजात और अपने कैंप ऑफिस के ऊपर तवज्जो थी, लेकिन जो ये लोग थे उनकी तरफ उनकी नज़र नहीं थी। लेकिन आपने देखा कि लोगों को बड़ी खुशी है, सहूलत है और इंशाल्लाह इसको आगे भी लेके जाएंगे। और जो लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे कि लोगों के लिए पनागा और लंगर खाने का कायम किया, जो हराम के पैसे से पले हो, जिनको अमीर हो, जिनके ऊपर बड़े बाहर जायदादें हो, उनके लिए इस प्रोजेक्ट का मेरे ख्याल से अहमियत नहीं होगी, लेकिन हर पाकिस्तानी के लिए। और जब आप इनसे बात करते